अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल और आज हम चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। पहले भी ये मैंने टॉपिक जो है उसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन ये दो वीडियोस थी, एक मियोसिस और एक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इनके अंदर जो है वो बेसिकली एरर आ गया था, जिसकी वजह से वो जो वीडियो था दोनों अपलोड नहीं हो रही थी। तो ये दोबारा से मैंने बना के जो है वो अपलोड करने लगा हूँ, जिसका इनके अगर उसकी वजह से थोड़ा सीक्वेंस भी जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है वो मेरा खैर पहले अपलोड हो गया। तो ये जो है ये बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है ये लेक्चर नंबर 3 है, वैसे आपका चैप्टर नंबर 5 का यानी कि टॉपिक नंबर 3 है, और वो जो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस वो तकरीबन आपका जो लेक्चर है वो 5th मेरा ख्याल लेक्चर है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस वाला। तो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले साल भी यानी कि जो रिसेंटली जो है मेरा ख्याल इस साल भी ये पेपर के अंदर जो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आई थिंक आया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के अंदर यानी कि ये जितना भी मैंने टॉपिक लिया हुआ है ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी आपकी बुक से ही है, तो आप वहाँ से यानी कि इसको मैच करके देख सकते हैं। और कोशिश किया करें कि जब आप ये वाला लेक्चर सुना करें मेरा, तो साथ में बुक जो है उसको ज़रूर रख लिया करें, साथ साथ आप उसके ऊपर जो है वो मार्क करते जाएँ, और जो हेडिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर मैंने बनाई उसको जो है वो आप वहाँ पर बनाते जाएँ साथ में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस का इंट्रोडक्शन है आपके पास। तो माइटोसिस बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑलमोस्ट वही है जो आपने इसकी डेफिनेशन में पीछे माइटोसिस के टॉपिक के अंदर आपने देखी भी है, ठीक है। यानी कि जो माइटोसिस की डेफिनेशन है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही इसका सिग्निफिकेंस है। और आपने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम भी कि माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंटल सेल एज वेल एज इन द डॉटर सेल आर सेम। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंटल सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल्स के अंदर और डॉटर सेल्स के अंदर सेम रहते हैं तो ये बेसिकली क्या है माइटोसिस कहलाता है, और ये इसका सिग्निफिकेंस भी है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है। मतलब कि यही तो इसका एडवांटेज है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हैं, सेल डिवाइड करने के बाद उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर न्यूली फॉर्म या नए बनने वाले डॉटर सेल्स में भी, नए बनने वाले सेल्स के अंदर भी अगर उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं जितने उसके पेरेंट सेल में थे, तो ऐसी जो डिवीजन है वो माइटोसिस कहलाती है। और ये इसका एडवांटेज भी, इसका फायदा भी है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका क्या फायदा है जी, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो वो पेरेंट सेल में भी उतरे रहे हैं और डॉटर सेल में उतरे रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है उसको हम यहाँ पर अभी आने वाले कुछ सेक्शंस के अंदर यानी कि नेक्स्ट इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास है कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में, कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, आप मेरे एरो को फॉलो करते जाएं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोमल सेट। ईच डॉटर सेल रिसीव क्रोमोसोम दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल। तो क्या होता है कि माइटोसिस जो है एक बेसिकली ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर जो नए बनने वाले सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम का सेट है वो कंपोजिशन के लिहाज से भी और नंबर क्वांटिटी के लिहाज से भी अपने पेरेंट सेल जैसा होता है। यानी कि जैसे जैसे पेरेंट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे क्रोमोसोम जो वो डॉटर सेल्स में है, और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें है डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये कुछ ओकेजंस हैं यानी कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर माइटोसिस जो अप्लाई होती है, ये कुछ फिनोमिनाज हैं जिनके अंदर माइटोसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो कहते हैं कि फॉलोइंग आर द इक्वेशंस इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर माइटोसिस हैपन। सबसे पहले इस पे जो है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। तो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती है वो टोटली तौर पर किस पे डिपेंड करती है, माइटोसिस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास शुरुआत में सिर्फ एक सेल है जाइगोट जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड करते हैं, जाइगोट का सेल माइटोसिस करता है, टू में कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में, फर्दर जो है वो डिवाइड करता है तो आपके पास और बहुत से सेल्स बन जाते हैं, एंड देन एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास क्या होता है पूरे का पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है,
ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक सेल से पूरे का पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना, ये किसकी वजह से ही मुमकिन है? माइटोसिस की वजह से। जब माइटोसिस है, जब बहुत सी माइटोसिस लगातार सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, हमारे जो खुलिए हैं, हमारे जो सेल्स हैं, जब वो डिवाइड करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली उससे जो ऑर्गेनिज्म बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है जिसके अंदर एक सेल, यानी कि जिसके अंदर क्या है कि एक सेल डिवाइड करके पूरे का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो ये जो सेल के अंदर डिवीजन हो रही है, कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोसिस हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है, यानी कि हमारे अंदर जो ऑर्गन्स बन रहे हैं, वो भी माइटोसिस के जरिए से बनते हैं, और वो ऑर्गन बनने के बाद साइज में बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो ग्रोथ जो होती है ऑर्गन्स की, वो भी माइटोसिस के जरिए से ही होती है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सेल विद इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय द माइटोसिस, ठीक है। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं माइटोसिस के जरिए से, और नेक्स्ट कहता है कि दिस इज द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट एंड आल्सो द बेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपने यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, इनके सिंगल सेल से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल सेल से पूरे का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, सिंगल जाइगोट से पूरे का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो ये पूरे के पूरी जो फॉर्मेशन है ये किसकी वजह से है? बाय द फिनोमिना नोन एज द माइटोसिस। अच्छा, नेक्स्ट जो अब आपके पास है सेकंड जिसका एडवांटेज है वो है सेल रिप्लेसमेंट। यानी कि फर्स्ट एडवांटेज क्या था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि डेवलपमेंट हो रही है और ग्रोथ हो रही है, वो भी माइटोसिस के जरिए से। सेकंड इसका एडवांटेज क्या है? सेल रिप्लेसमेंट मतलब कि हमारी बॉडी के जो ओल्ड सेल है वो जब खत्म हो जाते हैं तो उनकी जगह पे नए सेल्स बनते हैं। अब जो नए बनने वाले सेल्स है वो कैसे बनेंगे? सिमिलर फिनोमेना के जरिए से, इसको हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, अगर आप माइटोसिस की बात करें, यानी कि सेल रिप्लेसमेंट की बात करें, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कहता है कि इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक स्किन, डाइजेस्टिव ट्रैक, सेल आर कॉन्स्टेंटली स्लग्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर स्किन वगैरह है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो उसके सेल्स लगातार स्लग्ड ऑफ होते रहते हैं, उतरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, और उसकी जगह पे, यानी कि जो सेल झड़के हैं उनकी जगह पे भी क्या होता है कि नए सेल्स जो है वो बनते रहते हैं, ठीक है। तो सेल रिप्लेसमेंट भी जो है ये भी किसके जरिए से मुमकिन है? माइटोसिस के जरिए से। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसका, कहते हैं कि न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द माइटोसिस एंड आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल बीइंग रिप्लेस, ठीक है। और जो नए बनने वाले सेल्स हैं, यानी कि पुराना सेल खत्म हो गया, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट होके न्यू सेल माइटोसिस के जरिए से बन गया। अब ऐसा नहीं है कि जो न्यू सेल है वो डिफरेंट होगा, जो नया बनने वाला सेल है वो बिल्कुल किस जैसा होगा? पेरेंट सेल जैसा, यानी कि जो सेल वहां से स्लग्ड ऑफ हुआ है, उतर के गया, बिल्कुल वैसा ही नया आने वाला सेल भी होगा। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? कहते हैं कि सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव लॉट शॉर्ट लाइफ स्पैन अबाउट 4 मंथ। ये एमसीक्यूज भी आपका पेपर में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 4 मंथ यानी कि 120 डेज तक होता है। कहते हैं कि एंड द न्यू सेल, न्यू रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म बाय द माइटोसिस, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि जब पुराने हमारे रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं तो उसकी जगह पे जो 4 मंथ बाद या 4 माह बाद जो नए सेल्स बनते हैं वो भी किसके जरिए से बनते हैं? माइटोसिस के जरिए से बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है रीजनरेशन। जो रीजनरेशन का फिनोमेना है ये भी माइटोसिस की वजह से है। अब रीजनरेशन, रीजनरेट होना, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी बॉडी पार्ट कट गया है या लॉस हो गया है या इंजर्ड होके खत्म हो गया है, तो उस बॉडी पार्ट की जगह पे न्यू बॉडी पार्ट या ऑर्गन या स्ट्रक्चर डिवेलप होना, ये भी क्या कहलाता है? रीजनरेशन। और ये रीजनरेशन जो है ये किसकी वजह से होती है? माइटोसिस। ये फिनोमेना भी माइटोसिस की वजह से ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप, तो कहते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू सेल्स इज अचीव बाय द माइटोसिस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपके पास एक स्टार फिश है, तो स्टार फिश के अंदर क्या होता है कि अगर स्टार फिश की जो आर्म है ये कट जाए या लॉस हो जाए, इंजर्ड हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि ये अपनी आर्म्स को दोबारा से क्या कर लेती है? माइटोसिस के जरिए से दोबारा बनाते हैं, रीजनरेट। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पर माइटोसिस के जरिए से इसके न्यू बॉडी पार्ट्स या आर्म्स जो बन रही है, ठीक है। तो ये भी किसकी वजह से मुमकिन है? माइटोसिस की वजह से मुमकिन है। नेक्स्ट जो है उसकी एग्जाम्पल है कि सी स्टार रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू द माइटोसिस, वही वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है थर्ड, जो इसका है फायदा माइटोसिस का, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल, आ विदाउट सेक्सुअल, यानी कि सेक्स, यानी कि विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट स्पर्म और एग के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होती है ये न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि इस तरह की रिप्रोडक्शन में
जाइगोड नहीं बनता है, गैमेट्स आपस में कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है, ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट लिखा हुआ कि सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस इज द मीन ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल जेनेटिकली अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और ये जो जेनेटिकली न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं या न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, ये भी किसके जरिए से बन रहे होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ठीक है। आप ये देखेंगे हाइड्रा, ये एक कुछ लोग बच्चे कहते हैं शायद ये प्लांट है, वो हाइड्रीला होता है। ये हाइड्रा जो है ये एक एनिमल है और ये वाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये हाइड्रा है। अगर आप हाइड्रा की बात करिए, इसके टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के, यानी कि इसके ऊपर वाले कहने के आप ये ग्रैबिंग करने वाले ऑर्गन हैं, ग्रैब पकड़ने वाले ऑर्गन हैं, टेंटिकल्स हैं ये, और ये नीचे जो है ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसका माउथ है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा के साइड से एक न्यू बड डिवेलप हो रही है, ठीक है, एक उभार डेवलप हो रहा है। ये भी माइटोसिस के जरिए से सेल डिवाइड करते जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से एक बड बन रही है। ये बड जब आहिस्ता आहिस्ता, ये जो आप मेरा एरो देख रहे हैं, ये बड जल्द से जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, तो ये बिल्कुल इसी हाइड्रा जैसा क्या बना देगा, एक न्यू हाइड्रा बना देगा, ठीक है। तो ये फिनोमेना भी, यानी कि एक हाइड्रा से जो न्यू हाइड्रा का बनना है बडिंग के जरिए से, ये भी किसके जरिए से मुमकिन है, माइटोसिस के जरिए से। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है उसने यहाँ पर डिस्कस की हुई है। एग्जाम्पल नंबर वन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे मैंने हाइड्रा में बताया उसी को डिस्कस कर रहा है। कहता है हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, द सेल्स एट द सरफेस ऑफ द हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म अ मास कॉल्ड बड। क्या होता है कि बेसिकली जो हाइड्रा के अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि माइटोसिस के जरिए से होता है। और होता क्या है हाइड्रा में कि जो सरफेस के इसकी बॉडी के ऊपर वाले सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस होती है और एक उभार सा बन जाता है, इस उभार को बड कहते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये बड फिकस में चेंज होता है न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर। कहता है माइटोसिस कंटिन्यू इन द सेल ऑफ द बड एंड इट ग्रो इन टू द न्यू सेल्स। तो ये इसकी एग्जाम्पल नंबर वन है। सेकेंड जो इसकी एग्जाम्पल है, कहता है कि द सेम डिवीजन हैपन्स ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटरी प्रोपगेशन प्लांट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपके पास ये प्लांट है, तो प्लांट के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर ये जहाँ मेरा एरो है, ये कुछ एक्सटेंशन है, कुछ यानी कि एक्सटेंड हुआ पार्ट है अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको हम सक्कर कहते हैं आमतौर पर बॉटेनिकली, यानी कि अगर आप टर्म की बात करें, टर्मिनोलॉजी की बात करें, आप यहाँ पर तो नहीं उसने लिखा हुआ, ये सक्कर फॉर्मेशन है मोस्टली, ये मिंट यानी पुदीने वगैरह में होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो कुछ डिस्टेंस तक जो है वो मूव करता है, ठीक है। यानी कि अगर ये पेरेंट प्लांट है, ये जो मेरा एरो है, ये पेरेंट प्लांट है, तो इससे कुछ डिस्टेंस तक ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये मूव करेगा, तो कुछ डिस्टेंस के बाद यहाँ पर एक नोड सी बन जाएगी। इस नोड की लोअर साइड से रूट्स निकल आएंगे और उसके अपर साइड से लीव निकल आएंगे, ठीक है। कुछ अरसे के बाद क्या होगा कि ये वाला जो शक्कर है, ये वाला, ये ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा यहाँ से, और ये जो दोनों प्लांट्स हैं एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और ये जो शक्कर फॉर्मेशन है ये भी किसके जरिए से है, बाय माइटोसिस के जरिए से मुमकिन है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस के बाद इसके कुछ एरर्स हैं माइटोसिस के, कि क्या हो कि अगर माइटोसिस प्रॉपरली तौर पर नहीं हो, यानी कि माइटोसिस अगर ठीक से ना हो पाए तो क्या होगा, कौन सी खराबियां पैदा हो सकती हैं अगर माइटोसिस ठीक से नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए उसको भी अपने अच्छे से देख रहे हैं। तो अगर माइटोसिस ठीक से नहीं होती, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यहाँ नजर भी आ रहा होगा क्या बनता है, ट्यूमर बनता है, ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। ट्यूमर क्या होता है, कहता है कि एरर इन द कंट्रोल ऑफ द माइटोसिस मे कॉज कैंसर। All cells have genes that control the timing and number of mitosis. Sometimes mutation occur in such gene and cell continue to divide. It result in the growth of a abnormal cell called tumor. अब tumor क्या होता है? अगर आम जुबान में tumor की बात करें normally, तो हमारी body के ऊपर कोई भी, आप कह रहे हैं फोड़े की तरह या कोई भी extension जो बन जाती है, ठीक है, body के ऊपर कोई यानी कि swelling जैसा कोई area बन जाए, काफी ज्यादा फूल जाए, ठीक है, तो वो area ट्यूमर कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब ये ट्यूमर बेसिकली होता क्या है, ट्यूमर को आम तौर पर हम कैंसर बी कहते हैं, ये ट्यूमर से कैंसर बी हो सकता है। और ये क्यों होता है, जैसे यहाँ पर बताया कि जो हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, और वो जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं टाइमिंग ऑफ डिवीजन, कि सेल ने कब किस टाइम पर डिवाइड करना है, एंड नंबर ऑफ माइटोसिस, सेल ने कितनी मरतबा माइटोसिस करना है। और याद रखिएगा, ट्यूमर हमेशा तब बनता है कि जब सेल जरूरत से ज्यादा डिवाइड करता है, मतलब
कि सेल जो है उसको इतनी जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, लेकिन वो लगातार डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो जिस एरिया के अंदर हमारी बॉडी के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो बॉडी के इस एरिया के अंदर लगातार सेल डिवाइड करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो एक मैस ऑफ टिश्यू बन जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ टिश्यू बन जाएगा। उस मैस ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे अब मैंने अभी बताया कि जीन्स जो है वो कंट्रोल करती हैं टाइमिंग और नंबर ऑफ माइटोसिस, यानी कि कब सेल ने डिवाइड करना है और कितनी मरतबा डिवाइड करना है। अगर वो जीन्स उनमें म्यूटेशन आ जाए, उनका डीएनए डैमेज, म्यूटेशन मतलब बोले तो उनका डीएनए डैमेज हो जाए, उनका डीएनए में डैमेज आ जाए, उन जीन वो खराब हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि फिर उनकी टाइमिंग, सेल डिवीजन की टाइमिंग को भी कंट्रोल कोई नहीं कर रहा होता और नंबर ऑफ माइटोसिस को भी कोई नहीं कंट्रोल कर रहा होता, क्योंकि वो जिस जीन ने उसको कंट्रोल करना था टाइमिंग को और नंबर ऑफ माइटोसिस को, वो तो खराब हो गई है। ठीक है, तो इससे फिर क्या होता है कि जब म्यूटेशन आ जाती है जीन के अंदर, उस जीन के अंदर जो कि टाइमिंग और नंबर ऑफ माइटोसिस को कंट्रोल कर रही थी, तो उस जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से क्या होता है कि सेल लगातार डिवाइड करता जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, यानी कि उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा अबनॉर्मल एक ग्रोथ होकर एक अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू बन जाता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर की दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक है बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि एज लॉन्ग एज दिस ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बेनाइन ट्यूमर। अगर कोई भी ट्यूमर जो है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहे, यानी कि जिस जगह पे वो ट्यूमर बना है वो फैले नहीं, उसी जगह पे वो बढ़ता जाए, फैलने से मुराद ये नहीं है कि बड़ा नहीं होगा, यानी कि उसी जगह पे वो यानी कि बड़ा होता जाए लेकिन बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं करे, बॉडी में फैले नहीं, ऐसा जो ट्यूमर होता है वो क्या कहलाता है, बेनाइन ट्यूमर। सेकंड जो ट्यूमर है वो मलिग्नेंट ट्यूमर है, कहता है कि बट इफ दे इन्वेड अदर टिश्यू, लेकिन अगर यही वाला बेनाइन ट्यूमर वो बॉडी के एक हिस्से से, टिश्यू से निकल के बॉडी के दूसरे हिस्से में फैलना शुरू, यानी कि बॉडी के दूसरे पार्ट तक वो फैलना शुरू हो जाए, तो फिर इसी बेनाइन ट्यूमर को हम मलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं, दे आर कॉल्ड मलिग्नेंट ट्यूमर, या इसको हम कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो बेनाइन ट्यूमर ये कैंसर नहीं कराता, इसको आप जस्ट रसौली कह सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जो मलिग्नेंट ट्यूमर है ये बेसिकली कैंसर होता है, यानी कि अगर ट्यूमर आपकी बॉडी में फैलते जा रहे हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो फिर वही वाला जो बेनाइन ट्यूमर है वो मलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ पे क्या कहलाता है, कैंसरस ट्यूमर, या कैंसर भी कहलाता है। तो कहता है कि बट इफ दे इन्वेड द अदर टिश्यू दे आर कॉल्ड मलिग्नेंट, यानी कैंसरस ट्यूमर, एंड देयर सेल्स आर कॉल्ड कैंसर सेल, उनके सेल्स को हम कहते हैं कैंसर सेल्स कहते हैं। और लास्ट टर्म है, ये छोटी सी टर्म है, मेटास्टेसिस, क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूमर, मतलब कि अगर तो बेनाइन ट्यूमर अपनी जगह पे है, ठीक है, अगर तो ट्यूमर अपनी जगह पे तो जस्ट वो बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन अगर वो ट्यूमर बॉडी में फैल रहा है तो फिर वो कौन सा ट्यूमर है, मलिग्नेंट ट्यूमर। और मलिग्नेंट ट्यूमर के फैलने के अमल को, यानी कि इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो मेटास्टेसिस की डेफिनेशन भी है, कहते हैं कि सच ट्यूमर कैन सेंड कैंसर सेल्स टू द अदर पार्ट्स इन द बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर्स मे फॉर्म, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, तो अगर तो कैंसर सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक फैल जाएं और फिर वहां पर जाके भी ट्यूमर बनाना शुरू कर दें, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा बेटा, इसकी मैंने जो वीडियो थी वो पहले बनाई थी, वो अनफॉर्चुनेटली जो खराब हो गई है, तो ये बेसिकली ये है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 का ये थर्ड टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपके पास, मैं इस तरह फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि अक्सर बच्चे वो कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे शायद कि मैं समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक पहले कौन सा बाद में है। तो जो पहला जो आपके पास टॉपिक है वो है इस चैप्टर नंबर 5 का, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो टॉपिक है वो आपके पास सेल साइकिल है, सेकंड टॉपिक जो है आपके पास माइटोसिस है, थर्ड टॉपिक ये वाला जो आप आज स्लाइड पढ़ी है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है, इसके बाद जो फोर्थ स्लाइड है वो आपके पास मियोसिस की है, वो मेरा ख्याल है उधर भी वो शायद थर्ड बोला गया मुझसे, तो मैंने बाद में देखा है उस वीडियो को, तो वो जो है वो आपके पास क्या है, वो फोर्थ लेक्चर बनता है। ठीक है, फिफ्थ जो लेक्चर है वो आपके पास है एडवांटेज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस है, और लास्ट में जो है वो आपके पास आता है कंपेरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, और साथ में जो है वो नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस वाले टॉपिक की वो लास्ट में लेक्चर में आ जाए। ठीक है, तो लास्ट जो स्लाइड होगी ना आपके पास डिफरेंस वाली, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस मियोसिस और एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, ये इकट्ठा ही यानी कि मैं टॉपिक जो है वो पढ़ा दूंगा, और ये जो है वो आपका यानी कि ये थर्ड जो लेक्चर है वो आज जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो कौन सा आपके पास सेल साइकिल है, सेकंड जो है आपको माइटोसिस, थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, फोर्थ जो है मियोसिस, फिफ्थ जो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, और लास्ट में जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस मियोसिस, साथ में एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस है। ठीक है,
तो अगर कोई बेटा इसके मतलब यानी कि कोई क्वेश्चन हो या कोई मसला हो आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बेटा आप उसको जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो आप उससे पूछ सकते हैं।